हेलो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल मिरर्स। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। एज यू नो, प्लेन मिरर फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, एज यू नो। एंड ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। नाउ हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट How image form when we change the position for a spherical mirror like concave and convex mirror, clear है? तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, समझना भी है। different different positions पे object को place करके हमको उसका image, nature and size of image भी clear करना है, clear है? spherical mirror, क्योंकि plane mirror हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं, क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ यू हैव स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, यू आल्सो नो द नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय देम। मींस प्लेन मिरर की बात हो रही है जिसके बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, क्लियर है। थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सपोज दैट अगर कोई प्लेन मिरर, इट मीन्स उसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन होगा और उस पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड भी बनेगा, क्लियर। सेकेंड, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। एंड द लास्ट थिंग, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्लियर है, गुड। Now in the next line you can see here, how about the image formed by spherical mirrors, clear? अब spherical mirrors से किस तरह का image बनेगा, how can we locate the image formed by concave mirror for different positions of the object, means जैसे हम plane mirror में एक ही जगह object रख के उसका image हम सिर्फ identify किए, but in concave mirror and convex mirror, means generally spherical mirror, हमको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और उसके नेचर साइज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है और बताना है, ठीक है। आर द इमेज रियल और वर्चुअल, आर दर इमेज रियल और वर्चुअल, एज यू नो कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज जब आप कॉनकेव मिरर पे, सपोज दैट ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, बेंड इनवर्ड पॉलिश्ड आउटवर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है। अब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आएंगी, ठीक है, तो स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होके सिंगल पॉइंट से जाती हुई आपको दिखेंगी, क्लियर है। सो वाई कॉनकेव मिरर्स आर नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। इसका मतलब ये है कि जब उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी तो क्या कर देगा, जनरली उसको डाइवर्ज कर देगा। सपोज यहाँ पे आपको करना है स्फेरिकल मिरर बेंट आउटवर्ड एंड पॉलिश्ड इनवर्ड लाइक दिस, क्लियर। अब इस पर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसमें पड़ेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये लाइट को क्या करेगा, एक्चुअली डाइवर्ज करेगा, क्लियर है, यहाँ पे ला के डाइवर्ज करेगा प्रिंसिपल फोकस से। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एज यू नो कॉनकेव मिरर फॉर रियल एंड डिरेक्ट इमेज, क्लियर, रियल इन्वर्टेड इमेज सॉरी, एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बट जैसे जैसे आप पोजिशन चेंज करेंगे तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस चेंज होंगी, नेचर में, साइज में, क्लियर है। एज वी चेंज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द साइज, नेचर एंड ऑल्सो पोजिशन ऑफ इमेज विल बी चेंज। मीन्स जो भी इमेज बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। और आप जानती हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, क्लियर, गुड। इतना समझ गए तो ये सारी चीज़ें हम समझनी है। आर दे इन लार्ज, आर द इमेज फॉर्म्ड इन लार्ज और डिमिनिश्ड, मतलब बहुत बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, और हैव द सेम साइज, क्या सेम साइज का भी हो सकता है, हाँ ये सारी कंडीशंस आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। टोटली कॉनकेव मिरर के लिए आप 6 कंडीशन पढ़ेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट इनफाइनाइट पे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड
पोल रखेंगे तो ये सिक्स केस बनेंगे, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको सिर्फ दो ही केस पे स्टडी करना होगा, क्लियर है। वेरी गुड, नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें की गई, एक्टिविटी में आपको बोला जाएगा दो आप स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। उस पर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के आइडेंटिफाई कीजिए, उसका नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज आपको बताना है, क्लियर है। उस ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। कॉनकेव मिरर यहाँ पे हम आपको बनाएं, ए मिरर बेंड इनवर्ड एंड पॉलिश्ड आउटवर्ड इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट होगा लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा, आप स्ट्रेट बना लीजिएगा। अभी नीचे हम फिगर भी आपको शो करेंगे, ये पोल हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्लियर। अब इसमें आपको ध्यान से समझना है, क्लियर। फर्स्ट यहाँ पे टेबल आपको बना के दिया गया, टेबल 10.1 में हम स्टडी करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर मींस स्फेरिकल मिरर मींस कन्वर्जिंग मिरर, क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट सीरियल नंबर अगर आप यहाँ पे कर लें, सीरियल नंबर फर्स्ट, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी जस्ट फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखेंगे, इस मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, मतलब अनंत पे रखेंगे, क्लियर है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगा, क्लियर है, एट द फोकस बनेगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ से सपोज कीजिए ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से। आफ्टर स्टार्टिंग इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ये आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर सारी ये जो ये रेज ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेंगी, क्लियर है। साइज ऑफ इमेज जो होगा बिल्कुल पॉइंट साइज का हो गया, देखिए। एंड नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड हो जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए, क्लियर। वैसे ही आपको नेक्स्ट केस में आप देखेंगे जब आप इनफाइनाइट पे नहीं रख के बियॉन्ड सी करेंगे, क्लियर। बियॉन्ड सी का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक पीछे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। साइज जो होगा सब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा और नेचर हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट केस में आप आएंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। साइज ऑफ इमेज जो होगा उस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का हो जाएगा एंड नेचर वंस अगेन सेम रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जैसे यहाँ बढ़ेंगे देन हियर यू कैन सी दैट व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो यहाँ पे आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में जब रखेंगे तो बियॉन्ड सी जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे लाना, इसको यहाँ पे लाना, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इमेज जो हो जाएगा इनलार्ज हो जाएगा और रियल इन्वर्टेड वंस अगेन कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इमेज का जो साइज है वो इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, क्लियर है, एज यू जस्ट क्लोजिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, एट द फोकस रखेंगे तो फिर आपका जो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा, तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, इतना समझ में आ गया। एंड द लास्ट केस, क्लियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस यही है आपका, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो अभी इस केस में जो इमेज जो चला जाएगा बियॉन्ड मिरर चला जाएगा, ठीक है। अभी तक ये जो आपने 5 केस पढ़ा इसमें सब में क्या था, इमेज जो था स्क्रीन पे बन रहा था, सो वाई हम यहाँ पे बोल रहे थे कि रियल इमेज बनेगा। बट इन द लास्ट केस व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर ए कॉनकेव मिरर, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज, बड़ा साइज का बनेगा।
और जैसे ही बिहाइंड द मिरर बनेगा तो रियल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे वर्चुअल हो जाएगा, और वर्चुअल होगा देन क्या हो जाएगा, इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मीन्स लेफ्ट राइट, जो कि आप प्लेन मिरर के लिए पढ़ चुके हैं। और रियल इमेज आप जानते हैं, दोज इमेज विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन पे बने, नॉर्मली सिंपल डिफिनेशन, इन्वर्टेड टॉप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स टॉप। क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके 6 केसेस हो गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन कॉनकेव मिरर मीन्स कन्वर्जिंग मिरर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नेक्स्ट जब आप गए, आप बढ़ेंगे, देन आपको यहाँ पे शो किया जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अभी तो आपने टेबल में पढ़ा, अब ये 6 केस आप रे डायग्राम पे पढ़ेंगे। और जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आपको खुद अपने मन से रफ पे इस रे डायग्राम को एंड टेबल को ड्रा करना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड मेजर स्केल। क्लियर है, ऑन वाइट पेज, नॉट लाइनिंग पेज। हियर नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। अभी आपने 6 केस देख लिया, उसमें कोई प्रॉपर्टी या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है, और इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ रूल्स हम आपको बता दें कि ये जो स्फेरिकल मिरर होता है इसके कुछ रूल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज के। तो यहाँ पे 3 to 4 रूल्स हैं, उस रूल को समझिए, उसके बाद से टेबल में जो भी आप 6 केस पढ़ें उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। क्लियर है, गुड। नाउ हियर द फर्स्ट रूल, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिवन द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि सर, इस लाइन का कहने का मतलब सिंपली ये है कि आप सिंगल रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, इसके लिए आपको एटलीस्ट कितने रेज की ज़रूरत पड़ेगी, 2 रेज की मिनिमम, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज। और ऐसा नहीं है कि रे जो आपका है 2 रेज वो रिफ्लेक्शन से पहले इमेज बना लेगा, पहले वो जो रे होगा सिंगल रे फिर डबल रे, दोनों रे क्या होगा आएगा स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स पे, उसका स्ट्राइकिंग होगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन ही होता है। और रिफ्लेक्शन के बाद वे जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर वो एक्चुअली में मिलेंगे तो रियल इमेज बनेगा, एंड ऐसा लगेगा अपीयर, ऐसा अगर अपीयर हो रहा है कि वो मिलने वाले हैं या मिल सकते हैं, देन वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर है नाउ? तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए, वो भी रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। ठीक है, जो मिरर से स्ट्राइक होके वापस आए। क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कॉनकेव मिरर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर है, बेंडिंग इनवर्ड एंड पॉलिश्ड आउटवर्ड। अगर कोई रे कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ए आपका रे हो गया, ए बी इसका अगर हम नेम कर दें, क्लियर है, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई भी रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, देन अगर वो कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा, कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से। एंड रिमेंबर, हम आपको बताएं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ईच मिरर, आइदर इट विल बी स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, सब पे अप्लीकेबल होगा, मतलब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड। सो हियर, पहला कंडीशन आपका था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन कॉनकेव मिरर की, अगर कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे देख सकते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे स्ट्राइक किया हुआ है, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से होके पास करेगी, फोकस, प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर इसी केस में अगर आप देखें, अगर कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नज़र आ रही है,
क्लियर है, मतलब ऐसे आ रही है। देन इट विल सीम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कौन के मिरर पे उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद दैट विल बी पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कौन के मिरर। तो इसका जब आप अपोजिट करेंगे इट तो ये होगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नज़र आ रही है देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो केस यहाँ पे हमने आपको बता दिया। सेकेंड केस में यहाँ पे हम सेकेंड जो आप फिगर देख रहे हैं कॉनवेक्स मिरर है, क्लियर है, बेंड आउटवर्ड पॉलिश्ड इनवर्ड। इसमें भी अगर यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, क्लियर है, एंड और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये देख रहे हैं कि आप इस साइड में जा रहे हैं बट इट अपीयर्स, ऐसा लगेगा आपको इट अपीयर्स दैट इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनवेक्स मिरर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। नाउ हियर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एज यू कैन सी ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, ये फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, हियर द नेक्स्ट रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। द फर्स्ट, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जैसे कि आपने फर्स्ट केस में पढ़ा, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा। बट जब इसका आप उल्टा कर देंगे, इफ ए रे कमिंग थ्रू द फोकस मीन्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? और जब ही आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ कॉनवेक्स मिरर जाएंगे देन क्या होगा, इफ ए रे अपीयर्स टू कमिंग टुवर्ड्स अ कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस देन इट विल बी पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनवेक्स मिरर। मीन्स अगर कोई रे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की तरफ से आ रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट रूल, इफ ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर पहले केस में आपने पढ़ा प्रिंसिपल पैरेलल आया, दूसरे केस में प्रिंसिपल फोकस की तरफ से आया, थर्ड केस में आप हो गया कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, अगर आ रहा है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द कॉनकेव मिरर देयर इज नो डेविएशन इन द रे ऑफ लाइट। सो जैसे वो आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है विद दिस स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी वही प्रोसेस होगा। ऐसा अगर सेम हो रहा है, इट अपीयर्स दैट ए रे कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर देयर इज नो डेविएशन एट ऑल। क्लियर है? और जिधर से आएगा उधरी से निकल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे थ्री रूल्स हो गए आपके लिए। एंड द लास्ट रूल, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे किसी स्फेरिकल मिरर पे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो उतना ही एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल।
clear? Then these are the four rules for the formation of image on spherical mirrors. तो I hope कि आपको ये चारों rules समझ में आए होंगे. First rule क्या था, अगर कोई ray parallel आ रही है then आपका reflection principal axis से पास होगी. Second, अगर focus से आ रहा है then आपका reflection parallel to the principal axis बाहर जाएगी. And the third one is if any ray is coming towards the center of curvature then after the reflection if there is no deviation in the ray means center of curvature से आएगा तो center of curvature से ही वापस चला जाएगा after reflection means center of curvature is we have like a normal for spherical mirrors. Clear है? Good. Now the next, as you can see here, remember that in all the above cases the laws of reflection are followed. Clear है? Is there any problem? No problem. अभी इससे पहले आप टेबल 10.1 में पढ़े formation of image by concave mirror. तो उसका यहाँ पे ray diagram demonstrate किया गया. आप उसको ध्यान से देखिए. First case क्या था ये आप देख सकते हैं ध्यान से. concave mirror. Clear? converging mirror है. बेंड इनवर्ड पॉलिश आउटवर्ड. क्लियर है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट पे रखा गया. इसका पोजीशन कहाँ पे बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे. क्लियर है? क्यों प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए वी नीड एटलीस्ट टू रेज. क्लियर है? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रे आपका आ गया ए डी, सेकेंड रे आपका हो गया यहाँ से बी एन. ठीक है? ए बी एंड ए डी एंड बी एन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड ए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? इनफाइनाइट पे. पैरेलल रे जा रही हैं एंड पैरेलल रे जब आएंगी कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो रूल क्या है? वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी. तो दोनों रे प्रिंसिपल फोकस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. इट मीन्स द इमेज विल फॉर्म ऑन द प्रिंसिपल फोकस एट प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल फोकस पे आपका इमेज बनेगा. अब देखिए पॉइंट साइज का इमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम? रियल इन्वर्टेड इमेज होगा. क्लियर है? यानी कि ए भी है तो यहाँ पे ए टॉप पे है, बी डाउन पे है. पॉइंट साइज में है तो इसमें कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन सिंपली आपको समझने के लिए हम बता दें बी टॉप पे चला जाएगा, ए डाउन हो जाएगा. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये फर्स्ट केस हो गया. अब इसमें जब आप सेकंड केस पढ़ेंगे तो सेकंड केस में आपको क्या दिया गया था? सेकंड केस यहाँ पे है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिखा ना फर्स्ट में, ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एम एन, एपर्चर जिसको आप बोलते हैं. नाउ हियर ए बी इज, नाउ इन नेक्स्ट केस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा गया ए बी. क्लियर है? फाइनाइट डिस्टेंस पे. इससे पहले इनफाइनाइट पे था, अनंत पे था. ठीक है? तो यहाँ से पैरेलल रेज. नाउ इन सेकेंड केस यू कैन सी दैट व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, एटलीस्ट आपको दो रेज लाना है. फर्स्ट ए एम हो गया. क्लियर है? ए एम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. सेकेंडरी ए सी एस ऑब्जेक्ट से आएगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो प्रॉपर्टी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इट मीन्स बोथ द रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए डैश. क्लियर है? इट मीन्स इसका इमेज जो होगा कहाँ बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया. क्यों बन गया इन्वर्टेड? हम आपको बताएं टॉप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स टॉप. यहाँ पे बी डैस ए डैस आपका इमेज है. ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट से देखिए थोड़ा सा छोटा है ना. यस. नाउ इन थर्ड केस एज यू कैन सी हियर इन सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी. देन यहाँ से क्या होगा? यहाँ से दो रेज निकलेंगी. फर्स्ट रे ए डी एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, क्योंकि ए डी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा. सेकेंड रे आपका है यहाँ पे ए डैश ई जो कि वंस अगेन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑल्सो पास द
पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस मीन्स दोनों ही प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब यहाँ पे इमेज आपका कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा आपको यहाँ पे देखना, सॉरी यहाँ पे आप फर्स्ट केस में आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। ए डी फर्स्ट इमेज एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो गया? प्रिंसिपल फोकस से, क्लियर है। एंड सेकेंडरी जो आपका है ए सी निकल के डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस पे जब वो आएगा तो कहाँ से पास करेगा? पैरेलल हो जाएगा, मीन्स बोथ देयर इज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। इट मीन्स आपका इमेज कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट ऊपर था इमेज नीचे हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट केस में वैसे ही आप देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब उसके बीच में फर्स्ट रे तो पैरेलल आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो गया, क्लियर है। सेकेंड रे क्या हो गया? अब इधर तो जा नहीं सकता, ऊपर जाएगा, क्लियर है। एंड इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स बहुत दरेज कहाँ मिलेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। इमेज आपका बियॉन्ड सी बन जाएगा, इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे साइज इक्वल था। एंड इन द नेक्स्ट केस मीन्स इन फिफ्थ केस एज यू कैन सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट रे क्या होगा? बी डी हो जाएगा, ए डी सॉरी ए डी हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके आगे चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड रे जो होगा यहाँ से आपका ए से ई पे स्ट्राइक करेगा, और ई पे स्ट्राइक करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा? पास करके आगे जाएगा, और ये दोनों रे जो कि पैरेलल हैं और ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे, क्लियर है। इनफाइनाइट पे बनेगा तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज। एंड इन लास्ट केस एज यू कैन सी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, क्लियर है। इस केस में क्या होगा? फर्स्ट रे आप देख सकते हैं, सेकेंड रे देख सकते हैं, इसमें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो गया? बियॉन्ड द स्फेरिकल मिरर मीन्स बियॉन्ड द कॉनकेव मिरर, और इसमें इमेज अभी रियल नहीं हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल के साथ क्या हो जाएगा? इरेक्ट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सिमिलरली ऐसे ही केस आपको मिलेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जो कि उसमें सिर्फ दो ही केस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अब इस कॉनकेव मिरर को हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट प्लेसेस व्हेन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो इमेज का साइज पहले छोटे से, मतलब जितना दूर आप रखेंगे इमेज उतना ही छोटा होगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास लाएंगे तो इमेज का साइज जो होगा स्लोली स्लोली इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। और जैसे काफ़ी पास ला देंगे तो उसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा? रियल टू वर्चुअल कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द यूजेज आपको पढ़ना है कि कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो जनरली कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपका है कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेज, क्लियर है, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट, ठीक है, पावरफुल बीम्स ऑफ पैरेलल लाइट, क्योंकि का जो कॉनकेव मिरर्स होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, जब उस पर लाइट जलाते हैं तो बिल्कुल कन्वर्ज करके लाइट को एक पोजीशन पे एक पॉइंट पे कंसीडर कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ दे आर ऑफन यूज एज सेविंग मिरर्स, क्लियर है, सेविंग दाढ़ी बनाने वाली मिरर के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसमें हमको लार्जर इमेज और लार्जर फेस दिखता है, क्लियर है। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, अब इसको डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। कौन से डॉक्टर यूज करते हैं? डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इससे आपका जो पेशेंट का टीथ होता है उससे बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, इन सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट, क्लियर। एंड द लास्ट वन, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सनट्रेट सन लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट जो चैप्टर है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहाँ पे आप पढ़ेंगे
सोलर एनर्जी से कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे, जैसे कि आपका सोलर कुकर हो जाएगा। तो सोलर कुकर में हम जनरली यूज करते हैं इसको ताकि हमको काफ़ी पावरफुल सनलाइट मिले। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज हियर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप समझेंगे। इसमें आपको सिर्फ दो ही केस समझना है, यहाँ पे आपको बोला गया है एक्टिविटी में। नाउ द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस में जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी, मिरर पर स्ट्राइक होंगी तो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डाइवर्ज कर देगा। बट दे अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट बिहाइंड द मिरर, इसलिए इसका इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट भी हो जाएगा। वर्चुअल मीन्स स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, स्क्रीन के अंदर बन रहा है। एंड इरेक्ट मीन्स लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। क्लियर है। और यहाँ पे साइज देखिए बिल्कुल छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेकेंड केस में इन्फिनिटी के किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे आप रख लीजिए फ्रॉम द मिरर। फर्स्ट केस इनफाइनाइट पे रखेंगे, सेकंड केस किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लीजिए। दो ही केस बनेगा इस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि बाकी सारे केस में भी लगभग वैसे ही प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी। मतलब यही दो केस हो गए इसमें। क्लियर है। सेकेंड पे आप अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया तो यहाँ से फर्स्ट पैरेलल रे जाएगा, इट अपीयर्स टू पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। यहाँ से एंड सेकेंड रे देखिए, यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट से इट अपीयर्स टू पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स बोथ द रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हियर। क्लियर है। इट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा ही छोटा होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बट इन कॉनकेव मिरर साइज ऑफ इमेज इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक टेबल बना के दिया गया, आप इसमें देख सकते हैं नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। तो फर्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जो कि फर्स्ट रे डायग्राम में आपने देखा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, तभी तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज समझ ही रहे हैं। एंड द सेकेंड एंड लास्ट केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर मीन्स डाइवर्जिंग मिरर, जब आप ऑब्जेक्ट को किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देंगे, ठीक है, बिटवीन पोल द मिरर, तो इसका इमेज जो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस हमेशा फॉर ईच केस बनेगा, बट द साइज जो होगा अभी भी डिमिनिश्ड रहेगा, छोटा रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। इधर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। डाउन द नेक्स्ट, अब इसमें आप पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी फुल लेंथ इमेज फॉर ए टॉल बिल्डिंग ट्री और ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। वन सच मिरर इज फिटेड इन वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। नाउ द यूजेज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है, इस पे वन क्वेश्चन आपको हमेशा बनाया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मतलब आप समझ रहे हैं पीछे की चीज़ों को, रियर व्यू मतलब साइड से, जैसे आप व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें साइड्स में जो मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर, उसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। पीछे की चीज़ों को हम देखते हैं, पीछे से आने वाली चीज़ों को देखते हैं। इन व्हीकल्स दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स, इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिएट सेफ ड्राइविंग। और उसको क्यों, वो शोभा के लिए नहीं होता है, मतलब वो मतलब फैशन के लिए होता है। जनरली उसको हम क्या देखते हैं, अपने पीछे जो भी क्राउडिंग है, जो भी व्हीकल्स आ रही हैं उनको हम देखते हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू द डिमिनिश्ड इमेज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वाई यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, क्योंकि आप जानते हैं प्लेन मिरर भी क्या करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, फिर भी हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज
थ्रू द डिमिशा, इसमें साइज जो होता है हमेशा छोटा होता है, जिससे बहुत सारा गैपिंग आपको मिलती है। ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कवर्ड आउटवर्ड्स, क्लियर। दस कॉन्वेक्स मिरर्स इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से बहुत ज़्यादा लार्जर एरिया देता है, सो वाई यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ साइड और रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो ये आपका चैप्टर है, इसके बाद से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको कि आपको खुद करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।